Mr. Athawale is there to speak and there is only 10 minutes for me. Athawale, you take 5 minutes. Chairman sir. You take 5 minutes, then Anand Sharma will start. Deputy Chairman sir. Since PM I will have to adjourn. Sir, sir. Sir, sir. 5 minutes. But Athawale speaks will go on record. Deputy Chairman sir. Are 20 minutes, what are you talking? Took 20 minutes. चर्चा शुरू है और राष्ट्रपति के अभिनंदन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं मेरे पार्टी के तरफ से मैं यहाँ खड़ा हूँ. इतना ही बताना चाहता हूँ. बड़ो हाउ कैन आई डू दैट. अरे क्या है बेटा उनको भी बोलो वो प्लीज. हाँ तो इसीलिए हाँ तो सर महामहिम ही नॉट गोइंग ऑन रखे. बोलो ना उसको उनको बोलो. हाउ मेनी मिनट्स डू यू स्पीक. अरे ठहरो थोड़ा. ओ कांग्रेस वाले इतना क्यों तड़प रहे हैं. प्लीज डोंट डिस्टर्ब. कांग्रेस वाले इतना क्यों तड़प रहे हैं. नो प्लीज. आनंद शर्मा जी आस्क करना चाहिए आपने. आनंद शर्मा जी बोल दो उनको बिठाओ. बिठाओ उनको. Sit down, please. Bolo, bolo, bolo. Sit down, please. Not going on record. हाँ, आनंद शर्मा जी आपका टाइम खत्म हो जाएगा. Yes, but. तो सर आपकी इनकी जो भावना है मतलब ये लोग इतने मन से इतने मतलब तड़प रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ गई और मैं उधर ही था लेकिन इधर आना पड़ा. क्यों आना पड़ा ये आप लोग जो आपके मन में जो भावना है. एक तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि लोकतंत्र को मानना चाहिए और अगर हमें बहुमत मिला है नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिला है तो उसका समर्थन करने की जिम्मेदारी है. नेक्स्ट यू आर द स्पीकर. तो ये मैं बताना चाहता हूँ महामहिम राष्ट्रपति में होती है सरकार की दिशा. महामहिम राष्ट्रपति में Tomorrow is the risk I have no problem. नरेंद्र मोदी जी को है विकास की नशा. गरीबों को है सरकार से न्याय की आशा. ये गरीबों को है इस सरकार को सरकार से न्याय की आशा क्योंकि मोदी सरकार रोज नहीं बदलती है अपनी भाषा. सारे देश में डिप्टी चेयरमैन सर सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी. सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी. इसलिए परेशान दिख रहे हैं तुम्हारे राहुल गांधी. नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए की है नोटबंदी. नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए की है नोटबंदी. आप क्यों कर रहे हो राजनीति गंदी. काला धन वालों की टूटने वाली है फांदी. काला धन वालों की टूटने वाली है फांदी लेकिन हमारे जैसे लोगों की होने वाली है चांदी. सबका साथ सबका विकास सबका साथ. हमारे सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका साथ. नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं मन की बात. नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं मन की बात. वो चाहते हैं मजबूत करना है गरीबों का हाथ. वो चाहते हैं मजबूत करना है गरीबों का हाथ. इसलिए सभी दे रहे मोदी जी को साथ. आप क्यों नहीं दे रहे हैं. तो इसलिए मतलब यहाँ जो भी सरकार यहाँ काम कर रही है तो लोकतंत्र को जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान दिया है जिसको बहुमत मिलता है उस सरकार का समर्थन करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है. जो अभी वहां तुम्हारी मेजोरिटी है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद पांच राज्यों के चुनाव के बाद हमारी मेजोरिटी इधर हो जाएगी. हम कानून बनाएंगे आपके फायदे के बनाएंगे सबके फायदे के बनाएंगे देश के फायदे के कानून बनाएंगे. लेकिन आप लोग इतना मन में क्यों तो तड़प रहे मुझे मालूम नहीं है. मतलब आनंद जी आपका नाम तो आनंद है आपको आनंद होना चाहिए. सरकार इतना अच्छा काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी अच्छी भूमिका रख रहे हैं और यहाँ ये स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से कम 490 करोड़ रुपए हमारे लिए दे दिए है. कम से कम 52,000 करोड़ रुपए. कौन बोल रहे हो वहाँ कौन है बीच बीच में.
तो बोलो, लेकिन अभी जो सरकार चाहती है एकदम बदल होता नहीं है, एकदम बदल इतना आपने बिगाड़ दिया है काम। अगर देश को बदलना है तो उसके लिए, और आप चिंता मत करिए, दलितों का आरक्षण कोई हटाने वाले नहीं है, कोई कुछ बोले हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि दलित आदिवासी ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल नहीं जाएगा। मैंने तो बहुत बार डिप्यूटी चेयरमैन सर, मेरा कहना यह है कि सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, दलित आदिवासी और ओबीसी के बाद जो ब्राह्मण समाज है, मराठा समाज है, पटेल समाज है, जाट समाज है, राजपूत समाज है, एससी ओबीसी में जो समाज आता नहीं है, वो समाज को भी 50% में से 25% आरक्षण देने का कानून पार्लियामेंट ने बनाना चाहिए। दूसरे समाज में भी गरीबों की संख्या है, हमारे आरक्षण को धक्का मत लगाइए, हमारे आरक्षण को धक्का लगाएगा तो हम सबको धक्का दे देंगे, हमारे आरक्षण को धक्का मत दीजिए। लेकिन जिस समाज के तरफ से आज मांग हो रही है डिप्यूटी चेयरमैन सर, हर समाज में इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर क्लास की संख्या है, और उनको आर्थिक निकष पर, उनको आर्थिक निकष लगाकर, एक तो आर्थिक निकष पर आरक्षण नहीं दे सकते है, आर्थिक बिल लाना तो आप बोलिए, बिल लाने के लिए बिल लाएंगे, उसके लिए सबका समर्थन आवश्यक है, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है। अभी आरक्षण देने के लिए प्रफुल्ल पटेल जी, आरक्षण देने के लिए अभी महाराष्ट्र के मराठा इतने लोग आंदोलन में आ रहे हैं, और आपने क्यों नहीं बिल लाए, इतने साल आप उधर थे, नहीं आपने बिल लाया नहीं, इसीलिए हाँ तो ठीक है ना। तो प्रफुल्ल जी बोल रहे है ये लाना तो मतलब एक कानून बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है डिप्यूटी चेयरमैन सर कि आरक्षण 50% के आगे नहीं दे देना चाहिए, लेकिन मेरा मत ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है, जात के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे, अगर ये दो समाज का झगड़ा मिटाने के लिए, क्योंकि तो इनको आरक्षण मिलता है हमको मिलता नहीं है, दो समाज में झगड़ा हमेशा पैदा हो रहा है, उनके मन में भावना हो रही है हमको नहीं मिलता है तो तुमको भी ले लो, जितना लेना है उतना ले लो, बाकी का सब हम लेते हैं। तो इसीलिए मतलब इसीलिए एक मुद्दा है कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वक्त वक्त पर कानून में बदल करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है, और अगर ऐसा कानून पास हो जाता है तो सबको 25% आरक्षण मिलेगा, 75% आरक्षण होगा, 25% आरक्षण सबके लिए रहेगा। तो इसीलिए आरक्षण के मुद्दे पर भी पार्लियामेंट ने विचार करना चाहिए, आपने विचार करना चाहिए, इन्होंने विचार करना चाहिए, उन्होंने विचार करना चाहिए, एक मत से ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है, मतलब इसीलिए ये भी विषय है, और बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते है। ये आप लोग आनंद शर्मा जी और ये कांग्रेस वाले हमेशा बोलते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी सरकार संविधान बदलेगी, संविधान कैसे बदल सकता है, संविधान जो बदलेगी उनको हम बदल देगी, संविधान कोई नहीं बदल सकता है, आप बदलने की कोशिश कर रहे थे, हमने आपको बदल दिया। तो इसीलिए मेरा कहना ये है बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो संविधान ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्डो यू हैव कॉल्ड हिम लेटली ऑल्डो ही वॉज नॉट प्रेजेंट व्हेन हिज नेम वॉज कॉल्ड ऑल्डो यू हैव गिवन हिम अ चांस। हाँ तब बराबर था ना, तब बराबर था, कुछ दिन के लिए कांग्रेस साथ भी बराबर था, लेकिन बाद में बिगड़ गया अभी बाद में, और इसीलिए ठीक बात है, तो कोई बात नहीं है, मेरा मेकिंग सम स्टेटमेंट एंड मिनिस्टर मेकिंग सम स्टेटमेंट व्हिच लुक्स टू बी इरेस्पॉन्सिबल, ही हैज पॉइंटेड आउट टू सम फिगर एंड मेड सम स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट बीइंग ऑथोराइज्ड, ही व्हिच आर नॉट ट्रू। He is talking about reservation, he is talking about constitutional amendment and deserves, he is placing it so lightly, which are very serious thing. As a minister, he should know his right, he should know his responsibility, he should know what to talk and what not to talk. All right. चेयरमैन साहब, मेरे पार्टी का ये रेजोल्यूशन हमने पास किया है कि समाज में जब हमने देखा है कि महाराष्ट्र में मराठा 10 लाख 20 लाख इकट्ठा रहे, हरियाणा में जाट इकट्ठा, यू कंक्लूड गुजरात में पटेल इकट्ठा, 5 मिनट जो है इसलिए हमने प्रस्ताव, अरे 5 मिनट के अलावा 9 मिनट लिया आपने, अभी समाप्त करो, अभी समाप्त करो, तो थोड़ा मतलब घने वाले बोला है, जाना है,
मैंने ये बताया है कि भाई आर्थिक निकट पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आरक्षण देने का प्रावधान जाति का आधारित है। ओके, लेकिन अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय देने के लिए अगर इसी तरह का तो पारित हो जाता है। Now, sit down. राष्ट्रपति के अभी समर्थन का अनाउंसमेंट बाय द चेयर। इतना ही मेरा कहना है कि सरकार का समर्थन बैठिए 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 और नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मेरी रिपब्लिकन पार्टी के मंत्री साहब बैठिए के साथ है, इसलिए हम मंत्री जी बैठिए आपका भी साथ हम बैठिए बैठिए। नाउ अनाउंसमेंट बाय द चेयर। ऑनरेबल मेंबर्स, आई हैव टू इन्फॉर्म दैट द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन द 7th of February 2017 has allotted time for government, legislative and other business as follows. Now business, number one, statutory resolution seeking disapproval of specified bank notes, cessation of liabilities, ordinance 2016, number 10 of 2016, promulgated by the president on 30th of December 2016. Number two, consideration passing the specified bank notes, bill 2017 after it is passed by Lok Sabha to replace an ordinance. Together, three are ways to be discussed together. Number three, consideration passing of payment of wages amendment bill 2017 after it is passed by Lok Sabha to replace an ordinance. Two are ways. Consideration passing of the following bills as passed by Lok Sabha. The employees compensation amendment bill 2016, two are ways. The factories amendment bill 2016, two are ways. The committee further recommended that the private members' business resolution scheduled for Thursday, the 19th of February 2017, may be postponed to the next day fixed for private members' resolutions for transaction of government business. Message. Eh? No, that is, no, we are not changing. No. Private, this is Thursday. It is Thursday. We are changing only Thursday's business. It will come on the next Friday. Don't worry. Nobody will touch the private home-based business. Okay. Message from the... Every week there's a private members' business is there. Yeah. So now you say it is taken out... But this week we are not sitting on Friday. Oh. That is it. This week we are not sitting on Friday. But if the House want to sit, then we should take a resolution, recommend to the government, and then the president... Yeah. Okay. All right. Message from the Lok Sabha, Vice Secretary General. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 7th of February 2017 passed the Payment of Wages Amendment Bill 2017. I lay a copy of the bill on the table. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 7th of February 2017 adopted the following three motions recommending to the Rajya Sabha that 1. Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st of May 2017 and ending on the 30th of April 2018. 2. And communicate to the Lok Sabha the names of the members so nominated by Rajya Sabha. 2. Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the House for the term beginning on the 1st of May 2017 and ending on the 30th of April 2018. And communicate to the Lok Sabha the names of the members so nominated by Rajya Sabha. And 3, Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from the Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on the 1st of May 2017 and ending on the 30th of April 2018. And communicate to the Lok Sabha the names of the members so nominated by Rajya Sabha. Okay, now special mentions remaining. Dr. V. Maithriyan. Absent. T. Retinivel? Retinivel? Absent. Okay. Yes, yeah. I find it truly extraordinary that we are not having a discussion on the budget. I mean, the budget is right now the current topic and we are not having a discussion on that. Why are you jumping on conclusion? Why are you jumping on conclusion? Who told you there is no discussion? No, we are not in your, what you have just announced. It doesn't figure tomorrow. No, no, I didn't announce tomorrow's business. I only announced the time allotted for certain bills. Please understand. I have not announced tomorrow's business. Only time allotted for certain bills. So tomorrow morning, you open your packet
see the list of business, then you will understand that there will be discussion. Either tomorrow or day after. Day after is also there. Okay. The house stands adjourned till 11 a.m. on Wednesday, the 8th February 2017.